वी आर लाइव विद इमरान नजीर सुपर कलंदर, और कल भी हम लाइव थे और कल की वीडियो ने तहलका मचा दिया है सोशल मीडिया पर कि इमरान नजीर को किस तरह वेलकम किया जा रहा है, और इतने ज़्यादा लाइक्स, इतने ज़्यादा कमेंट्स, और कमेंट्स में क्वेश्चन ही क्वेश्चन। तो मैंने सोचा कि आज सेशन करते हैं स्पेशली क्वेश्चन एंड आंसर्स विद इमरान नजीर। क्वेश्चन पूछिए इमरान नज़ीर के, जितने भी फैंस हैं लाहौर कलंदर के फैंस, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस, और जितने भी फैंस हैं क्रिकेट फैंस, वो पूछेंगे इमरान नज़ीर से। सर कैसी तबीयत आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स गॉड, शुक्र, आई एम गुड फीलिंग, और अभी तो मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ क्योंकि अपने दोबारा फील्ड में आया हूँ। तो ज़ाहिर बात है, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया अपने फैंस का, और अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है, और स्पेशली थैंक्स वंस अगेन मेरे फैंस का जो इतने एक्साइटेड हो रहा है, और मैं कितना एक्साइटेड हूँ वो कल रात को भी आपने देख लिया और अभी भी आपने प्रैक्टिस में देखा ही है। तो इंशाल्लाह मेहनत कर रहा हूँ, डेफिनेटली आपको बहुत ही बहुत अच्छा खेलता नज़र आऊँगा। हमारी एक्साइटमेंट नज़र आ रही है, मैं एक्साइटेड होकर विद स्माइल आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ, ये मेरी एक्साइटमेंट है। फैंस की एक्साइटमेंट है, वो लाइक कर रहे हैं, वो शेयर कर रहे हैं वीडियोज को, बता रहे हैं दुनिया को, स्टेटस लगा लगा के इमरान नज़ीर इज बैक, इमरान नज़ीर इज बैक। आपकी एक्साइटमेंट मुझे नज़र आ रही है बल्ले, आप बड़ा जुल्म करते हैं बल्ले और गेंद के साथ, मतलब क्या ये अभी पावर, मुझे लग रहा है कि एक्साइटमेंट आपकी कल नज़र आनी है मैच में, जो कि कल हमारा मैच होगा। जी बिल्कुल, देखिए मेहनत मेरे ख्याल में करनी चाहिए, और हार्ड वर्क बेसिकली क्रिकेट गेम एक हार्ड वर्क का काम है, और आई नो मुझे पता है जैसे मैं बचपन में हार्ड वर्क करता आया हूँ, और अभी कह सकते हैं कि एक नई जिंदगी लेके वापस आ रहा हूँ, तो अभी भी उतना ही हार्ड वर्क कर रहा हूँ, और देखिए मेहनत करना मेरा काम है, बाकी रिजल्ट जो है वो ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए, और मैं सिर्फ अपनी मेहनत कर रहा हूँ, और बाकी आप मेरे ख्याल में जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तब आपने देखा, मैं देख रहा था, मैं साइड भी हो गया, मैं कह ये तो बॉलर को माफ करते हैं, तो हम फिर भी एक अदना से एंकर और मेरे कैमरामैन, मैंने कैमरामैन को बचाया। सर जिस तरह आप मार रहे थे ना, ये कोई जाल ही बचा सकते, नेट ने बचा लिया, नहीं तो अगले बैट्समैन तक जा रही थी बॉल। अच्छा ये बताइए सर कि एक इंजरी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन है, इट्स योर पर्सनल मैटर, अगर आपका दिल चाहे तो आप फैन से शेयर करें, क्योंकि वो कह रहे हैं, सब ये कहते हैं कि इमरान नज़ीर 5 साल कहाँ थे, क्यों थे, आप जनरलाइज करके बता दें या स्पेसिफिक करके बता दें, जरा फैंस को बताएं। नहीं ना, इट्स ओके, कोई मसला नहीं, देखे मेरे ख्याल में कि इंजरी अगर कोई पूछता है तो उसे शेयर करनी चाहिए, मेरा ख्याल है कि मैं हर आदमी से अगर ना भी पूछे तो मैं शेयर इसलिए करता हूँ, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी दुश्मन को भी ये ऐसी इंजरी ना हो, और मेरा ख्याल है कि जब आप इंजरी शेयर करते हैं तो किसी और का भी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली अभी मैं जब यहाँ आ रहा था तो मुझे 1 से 2 फ़ोन आए हैं, क्योंकि वो भी यही पूछ रहे थे कि जी आपको जो प्रॉब्लम थी वो हमें भी है, तो प्लीज़ हमें बताइएगा कि कौन से डॉक्टर से आपने ये ट्रीटमेंट करवाया। तो इंजरी मेरी थी ऑर्थराइटिस, जो कि जॉइंट्स पेन कहते हैं उसको, वो मेरे तकरीबन सारे ज्वाइन में थी, और उसकी वजह से मैं पहले 5 साल बहुत स्ट्रगल करता रहा, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर मेंशन करूँगा कि बीइंग मुस्लिम हमारा बिलीव होना चाहिए, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अल्लाह ताला भी इतना बिलीव था कि मैं इस बीमारी से जनरली बहुत लड़ा हूँ, और हिम्मत और हौसला नहीं हारना चाहिए, ये मैं स्पेशली आप लोगों को मैसेज दे रहा हूँ। देखें कोई भी बुरा वक्त आता है तो उसको हौसला और हिम्मत के साथ लड़ना चाहिए, तो मैं एक बुरा ख्वाब समझ के ये बिल्कुल भूल चुका हूँ, और वंस अगेन थैंक्स गॉड कि अल्लाह ताला ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है, और एक टाइम पे मैं भी थोड़ा सा हुआ था, देखें 5 साल बहुत अरसा होता है कोई ऐसी फील्ड से आउट रहना और सारे जॉइंट्स में पेन, तो एंड में मैं एक दिन डेफिनेटली एक चीज़ डिसाइड की थी कि अब नहीं, अर्ली ऑन मैंने हुआ था थोड़ा सा डिसपॉइंटेड कि मैं शायद अब दोबारा, क्योंकि 1-2 डॉक्टर से जब मैंने मीटिंग की मैंने, तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि जब मायूस हुआ था कि अब क्रिकेट नहीं खेल सकते, लेकिन नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बस उस वक्त मैंने अपने आप को इतना डेडिकेशन इतना वो कितना स्ट्रॉन्ग किया कि मैंने एक बिलीव जो था ना मेरा वो मैंने उस पर कैम रहा हूँ कि मैंने अब मैंने खेलनी खेलनी है, इंशाल्लाह कोई ना कोई तो इसका इलाज होगा, ट्रीटमेंट होगी, और एंड ऑफ द डे मैं उस ट्रीटमेंट से लड़ा, मैंने न्यूट्रिशन पे बहुत सेक्रीफाइस किया। देखिए बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है और इसमें किसी को कोई दोष नहीं होता, लेकिन एंड में मैं कहता हूँ मैं आई एम सॉरी मैं इस पर इतना डिस्कस नहीं, लेकिन इतनी मैंने डिस्कस ज़रूर करनी बनती है, बिकॉज किसी को अगर मेरी वजह से फ़ायदा हो, अगर अल्लाह ना करे वंस अगेन किसी को ना हो, अगर हो तो डेफिनेटली आप इनसे रब्ता करें, मेरे से करें, तो मैं डेफिनेटली इस चीज़ का ट्रीटमेंट है, और मोटिवेशनल चीज़ है बोस आपका वापस आना, आप यू आर अ फाइटर। अब एक चीज़ थी, हम जब देखते थे आपके एग्रेशन को देख के हम इंजॉय करते थे और हम एक्साइटेड हो जाते थे, अपनी सीट पे बैठे तो अब सिक्सर आएगा, सिक्सर जब एकदम सिक्सर मारते मारते एंटरटेन करते करते
آپ چھوڑ گئے اس چیز کو اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ازمائش آپ کے لیے تھی, کیا فیلنگ تھی اس وقت؟ فینس کے میسیجز آتے تھے, لوگ پوچھتے تھے عمران کدھر ہو, عمران کب واپس آؤ گے؟ آنیسٹلی بہت نہیں, بہت زیادہ, اور ایون کہ بہت ساری دنیا جانتی ہے کہ میں سوشل میڈیا یوز نہیں کرتا. ایون کہ جب انجری کا ٹائم تھا تو میں بالکل ہی بیکورڈ کر لیا تھا کہ میں گراؤنڈ میں بھی نہیں جاتا تھا, بیکاز میرے سے وہ چیزیں دیکھی نہیں جاتی تھی کہ ایک انسان خود رہتا رہے. دیکھیں ایک ایج کے حساب سے ضرور بندہ چھوٹتا ہے, لیکن ایک ایسے پیک پہ ٹائم پہ ایسا ہو جانا, تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آزمائش کا ٹائم تھا. تو الحمدللہ میں اس میں بھی جینون بات میں بہت شکر ادا کرتا تھا کہ اللہ میاں نے مجھے لائف تو رکھا ہے نا. دیکھیں زندگی موت اوپر والے کے ہاتھ میں ہے, آپ کل کو اللہ نہ کرے کسی کو کچھ ہو جائے تو دیکھیں اس میں دو دن تین دن روڑ کر رونا, پھر اس کے بعد ایک دعا ہی کر سکتے ہیں. لیکن آئی تھنک میرے خیال میں سیلف بلیف, ونس اگین سیلف بلیف رکھنا چاہیے اور موٹیویشن رکھنا چاہیے, کبھی بھی زندگی میں ڈاؤن مت ہوئیے گا. اور اب یہ ایک ذرا چلتے چلتے میں آپ سے ایک چیز پوچھوں گا, انسیڈنٹ کچھ آپ سے, وہ خوشگوار لمحات سکسر مارتے ہوئے, وہ اننگس, وہ ذرا تھوڑا بتائیے. اور آپ کیا پوچھیں گے عمران سے, عمران سے کوئی اسپیشل کوشچن آ رہے ہیں تو وہ اگر پوچھا جائے, میرا کیمرہ مین بتائیں تو میں عمران کے آگے وہ کوشچن لاؤں. اچھا جی, پی ایس ایل 2019 کس ٹیم کے ساتھ کھیلنا پسند کریں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ونس اگین لاہور قلندر کا تھینک یو سو مچ کہ مجھے ایک ایسے ٹائم پہ انہوں نے پک کیا جہاں پہ مجھے اس چیز کی ضرورت تھی. آئی تھنک میرے خیال میں کوئی برے ٹائم پہ کوئی آپ کا ساتھ دے تو میرے خیال میں وہی ایک چیز ہے, اور لاہور قلندر کے اس چیز کا کریڈٹ جاتا ہے کہ جس طرح وہ سرگرمیوں میں پورا پاکستان میں جس طرح ہم ٹیلنٹ ہنٹ کا پروگرام کر رہے ہیں اور جس طرح یہ کرکٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں, بالکل تو آج انہوں نے میرا مجھے ایک پک کر کے یہاں پہ جب کرکٹ کھلائی ہے, یہاں پہ مجھے بیک اپ کر رہے ہیں, ہر آدمی مجھے بیک اپ کر رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی ان کا کریڈٹ جاتا ہے. باقی رہی پی ایس ایل کی بات, دیکھیں پی ایس ایل میں اس چیز کا کچھ نہیں کہہ سکتا, وہ کہتا ہے نا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو جو جس چیز قسمت ہے کہ جس کے جس سے مرضی کھیلوں, لیکن دعا کریں کہ انشاءاللہ کھیلوں ضرور, اور میں پوری اپنی 100% پی ایس ایل کے لیے کھیلیں, پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کھیلیں. نہیں انشاءاللہ میرا مرحال آج بھی بہت ہائی ہے اور الحمدللہ فٹنس وائز بھی دیکھا جائے تو مجھے اتنا کانفیڈنس ہے کہ ابھی بھی بہت فٹنس ہے. باقی دیکھیں نا ایک نہ ایک دن تو کرکٹ چھوڑنی ہوتی ہے, لیکن نو الحمدللہ ڈیفینیٹلی ابھی مرتے مرتے بھی 4-5 سال اچھی کرکٹ کھیل دوں, لمبی زندگی دے. اور ایک چیز جو سب پوچھنا چاہیں گے ہم فینس کی آواز بن کے, میں آپ سے پوچھوں گا, ہٹر آپ نے دیکھے ہوں گے ہر ٹیم میں ہٹر, آج کل T20 اور T10 بھی آ گئی, اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہٹ مارنے سے پہلے کیا ذہن میں ہونا چاہیے, کوئی ٹپ دے دیں. یہ پلیئرز ہمارے اس پیج پہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ ٹرائلز دینے کے لیے آتے ہیں, جو کرکٹر بننا چاہتے ہیں, جو عمران نذیر بننا چاہتے ہیں, تو انہیں کیا ٹپ دیں گے؟ دیکھیں ان میں یہ ٹپ ایک ہی ہے, اور آپ اپنی ہارڈ ورک کریں, محنت کریں, اور جتنی بھی شاٹیں ہیں کرکٹ میں آپ پل مارنی, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ایکسٹرا پریکٹس کر رہا تھا, میں پل کی پریکٹس کر رہا تھا, کٹ کی پریکٹس کر رہا تھا, پھر اس کے بعد بولرس کو آپ تھرو ڈاؤن کروائیں بڑی ہٹ مارنے کے لیے, اس کی الگ میں پریکٹس کریں. نیٹ میں ڈیفینیٹلی آپ لوگ پریکٹس ضرور کرتے ہوں گے, لیکن الگ میں پریکٹس کرنا وہ ایک ڈفرینٹ آپ میں ڈیفینیٹلی آتا ہے. اور میں فیلڈنگ سیشن الگ سے کرتا رہا ہوں, میں یہ اس طرح کی بڑی ہٹوں کی پریکٹس الگ سے کرتا ہوں, تو یہ ایک ڈفرینٹ ہے, اور یہ محنت کرتے رہے ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ ایک دن سے آئی کا کتنا فیکٹر ہوتا ہے کہ ہٹر کے لیے اس کی کتنی آئی سیٹ, ایک کرکٹر کے لیے بھی آئی کا کتنا فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ بال کی طرف دیکھ رہے ہو, بولر کی طرف دیکھ رہے ہو, پھر اس پہ آپ نے ہٹ مارنی ہے؟ آپس کی بات ہے, مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ایسا کوشچن کریں گے, اگر کیا تو مجھے خوشی ہوئی. دیکھیے یگسٹر بہت زیادہ انوالو ہیں آج کل سوشل میڈیا میں, موبائل میں, کوشش کریں گے اگر اچھا پروفیشنل لمبی کرکٹ کھیلنی ہے تو موبائل تھوڑا کم یوز کریں, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, اچھی چیز ہے, لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ آئی تھنک میرے خیال میں دیکھو جب آپ یوز کرتے ہیں 20 بہت یوز کرتے ہیں تو یہ آنکھوں میں ہوتا ہے پرابلم, تو میرے خیال میں لمبی وہ کہتے ہیں نا اگر چلنا ہے کرکٹ کھیلنے کے لیے تو نہیں. آئی نو مجھے دیکھو میں بہت کم یوز کرتا ہوں موبائل, میں اتنا بہت نہیں, بس گھر میں بات کر لی, یس اور نو والا حساب ہے, مجھے بہت ساری دنیا پوچھتی بھی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کرو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ یوز کرو, کرو لیکن اتنا کرو, ایک ٹائم رکھو بہت کم, دیکھو اس کی لائٹ جب آنکھوں میں پڑتی ہے تو ڈیفینیٹلی پرابلم ہوتا ہے. اور میں نے کسی سے سنا تھا یہ, کیونکہ میں کافی کرکٹرز کو ملتا ہوں, تو وہ
एक आपके रिलेटेड, एक तो हिटिंग का तो तारीफ होती है, कहते जी इमरान नजीर की नजर बड़ी तेज है, शेरों वाली नजर है, और बॉल को देखते हैं उसको बॉल फुटबॉल की तरह नजर आता है और फुटबॉल को छोटी सी बॉल करके बाहर फेंक देता है, ये क्या चक्कर है? देखिए उसके लिए मेहनत है, देखिए हर काम में आपको मेहनत बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है और मैंने इस चीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। अभी मुझे आई थिंक मेरे ख्याल में 1.5 महीना कह सकते हैं, 1.5 मंथ्स गो, कि मैं जितनी मेहनत कर दिन रात मैंने एक की है, ये मानने वाली बात है। देखो मुझे पता है कि मैंने बड़ी क्रिकेट में आने के लिए कितनी मेहनत रिक्वायर्ड है, मैंने शुरू से भी मेहनत करता जब आ रहा हूँ और मुझे अल्लाह ताला ने उसका सिला दिला, आज मैं हर चीज़ जानता हूँ। देखिए मैं उसके ऊपर वर्कआउट हार्ड कर रहा हूँ, देखिए आप जितना वर्कआउट करेंगे उतना ही आपको सिला मिलेगा। बाकी रही आई की बात, ये मैंने स्पेशली इसलिए कहा है, देखो मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है ऐसी चीज़ों, लेकिन देखो क्रिकेटर्स अगर बनना है, अच्छा प्रोफेशनल बनना है, तो उसको बड़ा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, और ये गेम ऐसी है कि इसमें आपको डिसिप्लिन ही सिखाती है। देखिए आप एक आप 4 से 5 घंटे ग्राउंड में लगाएं, ठीक है, उसके बाद घंटा आधा घंटा 24 घंटे मोबाइल में लगे रहना, बहुत सारे लोग आएंगे यार खुद तो यूज़ करता नहीं है और लोगों को भी ये बता रहे हैं। देखो मैं ये क्रिकेटर्स के लिए कह रहा हूँ, बाकी जितना मर्जी यूज़ करें, आई डोंट माइंड। अच्छा क्वेश्चन भी आप हमें, अगर कोई अभी क्वेश्चन आता है इमरान नज़ीर के लिए तो काफ़ी आ रहे होंगे, हम तो बातों बातों में शायद वो आगे ऊपर चले जाते हैं, कमेंट्स आते रहते हैं, तो कोई आता क्वेश्चन फ़ौरन पूछिएगा, साथ ही ऐड कीजिएगा, मुझे इशारा कर दीजिएगा, मैं वो क्वेश्चन ऐड करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अभी आपने कमबैक किया है, अब्दुल रज़ाक ने किया है, हर क्रिकेटर पर ये वक्त आता है वो क्रिकेट से दूर होता है फिर वापस एकदम नई लाइफ शुरू करता है, कई ऐसी एग्जांपल होंगी आप उनको पढ़ते भी होंगे देखते भी होंगे। बिल्कुल, बाकी जो क्रिकेटर्स काफी पहले कमबैक नहीं कर सके और पीछे हो गए क्रिकेट से, अब इतने ज्यादा मौके हैं, इतनी लीग्स हैं, उनके लिए क्या मशवरा है, क्योंकि वो भी आपके भाई हैं, उनको आप क्या गाइड करेंगे? देखिए उनके लिए एक ही चीज़ है, मैंने बताया ना कि देखो मैं अपनी मिसाल, आज मेरी एक मिसाल बन चुकी है टू बी ऑनेस्ट है। देखो मैं जिस चीज़ से लड़ के आया हूँ ये एक डेडिकेशन है। अब डाउन वक्त में देखो ना, मैंने कुछ अर्सा पहले भी मैंने कहा था कि मैं अपनी बहुत अर्ली उन्हें एक बुक लिखना चाह रहा हूँ, उस बुक का मकसद क्या है कि एक यंगस्टर को जो डाउन होते हैं, जो बहुत गिर जाते हैं बुरे वक्त में, उनके लिए एक मैसेज है। बाकी मैं, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि बुक लेंगे, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी स्टोरियाँ हैं, लेकिन ये स्टोरी एक ऐसी है कि इसमें एक मैसेज कन्वे कर रहा हूँ, मोटिवेशन है कि ताकि अब जब बुरा वक्त आता है आपने किस तरह उसको संभालना है। बाकी रही देखे अच्छा परफॉर्म होना ना बुरा परफॉर्म होना, एकदम से डाउन गिर जाना मेरे ख्याल में वो एक अच्छी चीज़ नहीं है, उसके ऊपर प्रैक्टिस वर्कआउट हार्ड वर्क और हमेशा हार्ट को मजबूत रखे, कभी भी इंसान गिरना नहीं चाहिए। चलें जी बाकी मैं क्वेश्चन इमरान नज़ीर से रिलेटेड अगर आते रहेंगे साथ साथ, तो हम इमरान नज़ीर के पास जाके, क्योंकि इमरान नज़ीर ने पहले कहा कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि ट्रेनिंग के साथ साथ मैं इतना इंटरव्यूज दे रहा हूँ और बातें कर रहा हूँ। सर ये बताएं, बिल्कुल ये मैंने इसलिए कैब बता रही है, देखे मैं जब नई लाइफ शुरू करना था, मैंने वैसे एक मैं अपना डिसाइड किया था कि जब मैं दोबारा क्रिकेट में जाऊंगा वापस और एक नई लाइफ कह सकते हैं, तो पहला ही टूर है मेरा लाहौर के अंदर की टीम के साथ और मैंने वैसे बाल छोटे करवाए, कहता है कि एक न्यू लाइफ नया यंग, वैसे भी अभी बड़े होंगे देखूंगा, लेकिन ये कह नहीं सकते ये एज के साथ मैच्योरिटी आती है क्रिकेटर में, तो ये उसका हिस्सा है या वैसे ही फैसला कर लिया? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और मैंने शुरू में भी जब बड़े बाल रखे थे तो मैंने जस्ट एक ही फैशन मैंने किया जिंदगी में देखा हो तो वो है बाल बड़े, तो स्टाइल वो जो आप ये करते थे हमें तो बाल भी नहीं आ गए, लेकिन वो कहते ना टाइम टू टाइम है। बाकी मेरा एक पर्सनल दिल था कि मैं जब नया कोई भी पहला टूर आएगा तो उसमें मैं बाल छोटे करवा के ही जाऊंगा। तो अब एक चीज बताइए, जो फैंस आपके उस स्टाइल का वेट कर रहे हैं, छक्का मारने या 50-100 के बाद आपने जो बाल ऐसे करने हैं, तो उसका नेक्स्ट स्टाइल भी मैं सरप्राइज ही रखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सरप्राइज, आप लोग दुआ करें अल्लाह ताला मुझे हिम्मत हौसला दे और सेहत दे और मैं इंशाल्लाह अच्छा अच्छा परफॉर्म करता रहूं। मैं ऑनेस्टली वाकई में आप वंस अगेन फैंस का देखें, फैंस की इतनी दुआएं थी, दुआओं में असर होता है और आज असली मैं ये आप लब सब लोगों की दुआओं की वजह से मैं आज ग्राउंड में खड़ा हूँ और मुझे बहुत नहीं बहुत उम्मीद है कि मैं अपनी 100% अच्छा से अच्छा इंशाल्लाह करूँगा। इमरान जाते जाते अभी क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको आगे पूरा दिन है, हमारी बहुत एक्टिविटीज़ हैं उसको भी हम लाइव लेते रहेंगे, आप ये बताइए आपका खुशगवार लम्हा, कोई आपको इंसिडेंट शेयर करना चाहते हो, कोई वाकया कि मैं आप फैंस के साथ वो चीज़ शेयर करूँ, क्योंकि वो सुनना चाहते हैं आपसे, आपको बहुत ज़्यादा सुनना चाहते हैं, लेकिन आप बताइए कुछ। आप सॉरी अभी नहीं याद आ रहा तो मैं आपको टाइम देता हूँ, आपसे मैं बाद में पूछूंगा, लेकिन आपने फैंस को ज़रूर बताना है क्योंकि वो सुनना चाह रहे हैं कि इमरान नज़ीर का बेस्ट मोमेंट कौन सा था कि इतने ज़्यादा सिक्सर मारे कि बल्ला जिस दिन चलना शुरू हुआ रुक ही नहीं रहा था, कोई ऐसी इनिंग याद है आपको? जी बिल्कुल याद है, देखिए
क्रिकेटर्स को सारी इनिंग्सें याद होती हैं, और मुझे एक आईसीएल की इनिंग्स आज भी याद है, उसमें मैं मैंने पहली बॉल से लेके और मैंने आपका जी बिल्कुल और एंड तक मैंने छक्के ही मारे थे, और ऑनेस्टली मुझे लग रहा था मतलब खुद फील कर रहे थे यार ज़्यादा ही हो गए नहीं देखो मेरी गेम ही ऐसी है, और मैं फ्लैच जिस तरह खेलता हूँ फास्ट, और मैं वो कहते हैं ना क्रिकेटर्स का डे बहुत डिपेंड करता है, और उस दिन देखो ना हर आदमी कहते हैं ना लाइफ टाइम इनिंग्स वाला हिसाब है, तो ऐसी मेरी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है क्रिकेट में है, बहुत सारी इनिंग्स ऐसी हैं कि वो कहते हैं ना वन साइडेड ही हो जाता है मैच चलें जी इमरान नज़ीर हमारे साथ है, आपके क्वेश्चन जो होंगे फैंस के वो आपको बारी बारी पूछते रहेंगे, और थैंक यू इमरान आपके टाइम देने का। कल कहते कल था इनके मुताबिक मेरे ख्याल से वो बुरा टाइम नहीं था, वो आजमाइश थी, अब अगला जो कल आने वाला है वो 8 बजे यूएई के टाइम के मुताबिक इनका होगा अच्छा टाइम, और बेस्ट ऑफ लक कह दें जी। अच्छा क्वेश्चन है, ये मैनेजमेंट ने बताना है, ये कोचिंग बताएगी, लेकिन मैं इमरान से पूछूंगा ओपनिंग करेंगे लाहौर कलंदर की? जी बिल्कुल क्यों नहीं है, देखें यहाँ पे जब सेलेक्ट हो गया है, और अभी जिस तरह मैंने बताया ना मुझे जिस तरह बूस्टअप और जिस तरह बैकअप मिला है, स्पेशली आकब भाई का थैंक यू सो मच, और जब यहाँ आया हूँ तो इंजी भाई मिले हैं मुझे, वो बहुत ज़्यादा खुशी है बिकॉज इंजी भाई के साथ बहुत मैंने क्रिकेट खेली है, तो उन्होंने जैसे मुझे आया उन्होंने फिर मुझे बताई जो चीज़ें कि ये चीज़ें आप में कमी है, अब इसके ऊपर आप ज़रा वर्क हार्ड करो, डेफिनेटली इतने अर्से के बाद वापस आना तो थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, तो देखो एक क्रिकेट ऑन मेरिट है यस, और एक सीनियर प्लेयर का इस तरह बूस्ट अप देना, और ऑनेस्टली मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला है, और बाकी इंशाल्लाह देखें कल के मैच में ये मैनेजमेंट कप्तान जानते हैं, आई एम रेडी ऑल द टाइम। थैंक यू इमरान नज़ीर, बहुत बहुत शुक्रिया, ये मुझे दिली खुशी एज अ फैन इमरान नज़ीर के फैन होते हुए, और मैं क्रिकेट से इतने देर से अटैच हूँ, सीरियसली आई एम वेरी हैप्पी, लॉर्ड कलंदर्स फैंस आर हैप्पी और मैनेजमेंट हैप्पी है, और अब देखते हैं कि यहाँ पर आपको ट्रेनिंग सेशन नज़र आ रहा है, इस टाइम पूरी ट्रेनिंग चल रही है, और हम चाहेंगे कि किसी ना किसी के साथ प्रॉपर बात हो, हमारे इधर काफ़ी सीनियर पर्सन भी हैं, तो अगर यहाँ से टीम की तरफ दिखाया जाए, और हम चलते हैं थोड़ा सा उस साइड पे, हमारे काफ़ी सीनियर नज़र आ रहे हैं, मैंने जिक्र किया तमाम प्लेयर्स का, काफ़ी प्लेयर्स हैं अटैच्ड हैं और सब खेलना चाह रहे हैं लाहौर कलंदर के लिए और रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को, सो हम लेंगे इंशाल्लाह छोटी सी ब्रेक, और छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे एक्सक्लूसिव प्लेयर के साथ, आपके फेवरेट प्लेयर होंगे उनके साथ होगा सेशन, हमारे साथ रहिएगा।